हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बीथी वैश्मला आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाने वाले हैं ये देखिए मैंने चोली अलग से बनाई हुई है ये दो नंबर के कानाजी हैं बट ये ड्रेस आप जीरो साइज एक नंबर और दो नंबर तीन साइज के कानाजी को पहना सकते हैं तीन नंबर नहीं बोला मैंने तीन साइज बोला है जैसे जीरो साइज एक और दो नंबर इतने कान्नाजी को आप पहना सकते हैं ये देखिए हमारी चोली की फिटिंग कितनी अच्छी आ गई है अब हम ये जो घेर है वो पहना लेंगे तो इसे बनाना भी बहुत इजी है और इसका फ्रिल भी बहुत सुंदर लगता है ये देखिए इसकी कमर पूरी फैलेगी तो आप इसे इजीली पहना पाएंगे इस तरह से करके हम यहाँ पे पहनाएंगे और इसका कलर भी मैंने बहुत ही खूबसूरत रखा है तो आप इसे बनाइए और अपने जी को पहनाइए बहुत सुंदर लगेंगे और ठंड के लिए तो बहुत ही कम्फर्टेबल है और काफ़ी हैवी सी हुई है ये देखिए इस तरह से इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी जी को हम ऐसे करके पहना देंगे डोरी जो है वो पीछे हट करके आप यहाँ पे चाहें तो एक इस तरह से पिन लगा सकते हैं यहाँ पे और आप चाहें तो इसे परमानेंट सुई धागे से सिल भी सकते हैं यहीं पे तो इस तरह से आ गई है और ये है इसके साथ मैचिंग की कैप तो कैप पे मैंने एक मोती लगाई हुई है इसे हम सामने कर लेते हैं आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया हुआ है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति पर फिफ्टी अपना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कहाँ जी ये देखिए हमने यहाँ पे ये तीन कलर में ऊन लिया हुआ है साथ में हमने यहाँ पे थ्री एम एम में क्रॉश हुक लिया हुआ है सबसे पहले अपने डार्क कलर से स्टार्ट करेंगे एकदम सिंपल और आसान तरीका आपको बताऊंगी बनाने का ये देखें हमें यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से एक लूप बनानी है ये हमने बनाई अब इसमें अपने हुक को डालेंगे ये देखें ये हुक को हमने डाला और डालने के बाद हम यहाँ पे देखें इस तरह से चेन बनाएंगे ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इस तरह से हमें टोटल पैंसठ चेन बनानी है चलिए बना लेती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ पे पैंसठ की जगह पे टोटल सत्तर चेन बना ली पैंसठ मुझे थोड़ी कम लग रही थी अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे एक चेन हमारे हुक में इसके बाद हम एक चेन छोड़ेंगे और अगली ही चेन में हम इस तरह से करेंगे ये देखें अगले चेन में डाला हुक को फंदे को पीछे से निकालेंगे तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया फिर हमने इस तरह से किया नेक्स्ट चेन में डालेंगे फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया फिर हमने इस तरह से किया अब देखें फिर अगली चेन में डालेंगे फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया फिर हमने इस तरह से किया अगली चेन में डाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया ऐसे करके हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो चलिए हम बना लेते हैं फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखिए हम हमने यहाँ पे अपनी एक रो बुन है अब अगली रो आप देखिए किस तरह से हमें बुननी है यहाँ पे हम इसे ऐसे टर्न करेंगे टर्न करने के बाद देखिए हमने एक एक चेन बनाई और यहाँ पे जो छोटा वाला धागा है इसे हम इसी में ऐसे पकड़ लेंगे एक चेन बनाने के बाद देखे इस तरह से किया फर्स्ट चेन में हमने देखे हम इस तरह से एक बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया सेकेंड चेन में हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे जो हमारी थर्ड चेन है इसे हम छोड़ देंगे और चौथी चेन में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है अब देखिए यहाँ पे एक चेन में हमारा आ गया हाफ डबल क्रोशिया दूसरी चेन में आ गया तो यहाँ पे अब हमारी जो तीसरी चेन है इसे हम छोड़ देंगे इस तरह से ये देखें ऐसे फिर यहाँ पे हमें ये देखें दो चेन में हो गया हाफ डबल क्रोशिया ये एक में हमने अभी बनाया ही छोड़ के और एक में और बना दिया फिर यहाँ एक चेन छोड़ेंगे और अगली चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे फिर यहाँ पे देखिए एक चेन में आ ही गया है ये हमने बनाया एक में और और इसमें छोड़ देंगे और इसमें इसमें बना के फिर इसको छोड़ेंगे तो देखिए इसमें हमने छोड़ा और इसमें ये हमारा बन गया तो ये एक हमारा बन ही गया ये हमारा दूसरा हो गया और यहाँ पे ये यह तीसरे को हम छोड़ देंगे और चौथे में बना लेंगे इस तरह से ये देखें ऐसे करके हमें यह यहाँ पर हाफ डोर क्रोशिया बनानी है पूरी अपनी रो ऐसे कम्प्लीट करनी है चलिए करती हूँ फिर नेक्स्ट रो में बताऊँगी कैसे बुनना है ये देखिए हमने यहाँ पे अपना ये सेकंड रो कंप्लीट कर लिया ये देखिए जब आप करेंगे तो ये इस तरह से पूरा आपका गोल हो जाएगा मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखा देती हूं ये देखिए ये आपका एक ऐसे सर्कल बन जाएगा अब हमें क्या करना है नेक्स्ट रो आप देखें किस तरह से बुननी है यहाँ पे हम इसे टर्न करेंगे और अब हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा तो कैसे डिजाइन बनेगा सबसे पहले तो यहाँ पे एक चेन बना लें अब एक चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है ये देखिए अपनी ये हमारी ये इंडेक्स फिंगर जो है ये हमारी पहली वाली उंगली इसमें हम इस तरह से ऊन को फंसा लेते हैं तब बुनाई स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमने मान लीजिए ऊन को ऐसे फंसा लिया अब ये हमारी जो बीच वाली उंगली है इसे हम यहाँ पे ऐसे ऊन के ऊपर से रखेंगे और ऊन के ऊपर रखने के बाद देखिए हमें क्या करना है ये इस तरह से ये अगली जो चेन है इसमें हमने डाला ये ऊन के ऊपर रखा उंगली को और यहाँ से ये इस तरह से ऐसे खींच के निकाला निकालने के बाद हमने बुन दिया और उसके बाद अपनी उंगली हम निकाल लेंगे यहाँ से फिर हमें यही चीज़ करनी है ये देखिए ऐसे उंगली रखी ऊपर और यहाँ अगले फंदे में डाला अगले चेन में अपने इस तरह से यहाँ पे हमने फंदे को निकाला निकालने के बाद बुन दिया फिर हमने उंगली निकाली फिर हमने इस तरह से उंगली ऊपर रखी ऊन के और ये इस तरह से करके हमने ऐसे निकाला और बुन दिया बहुत ईजी है ये देखिए उंगली को इस तरह से रखना है नेक्स्ट चेन में डाला पीछे से हमने ऊन निकाला और बुन दिया फिर हमने उंगली इस तरह से रखी अगली चेन में डाला इस तरह से निकाला और बुन दिया यहाँ आपके कोई भी फंदे घटेंगे बढ़ेंगे नहीं सभी फंदे में आपको इसी तरह से डिजाइन अपना बनाते चले जाना है एक एक बार तो चलिए मैं इसी तरह से अपनी पूरी रो कम्प्लीट करती हूँ फिर नेक्स्ट रो आपको बताऊंगी कैसे बुननी है ये देखिए हमारा यहाँ पे ये यह कंप्लीट हो गया डिजाइन पूरा ये देखिए इस तरह से आया है अभी जब ये हमारा सारा बनेगा तो और सुंदर लगेगा अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से एक चेन बना के इसे कट कर देंगे ये हमने कट कर दिया अब हमें यहाँ पे देखिए जितर से हमने कट किया है उसकी अपोजिट साइड से हम बुनाई अपनी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे तो हमने जो भी पिंक कलर का ऊन लिया हुआ है इसे हम लगा लेते हैं ये ये इस तरह से हमने इसे लगाना है ये ऐसे करके निकालेंगे अब निकालने के बाद हमने यहाँ पे देखें एक चेन बनाई और एक चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट चेन है इसमें हमने इस तरह से डाला और एक बार हमने डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बुनी अगले चेन में भी हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बुनी और उसके अगले में भी हमने एक बार बुनी तीन में हमने एक एक बार बुनी है और अब चौथे को हम छोड़ेंगे ये चौथी जो है इसको छोड़ के और पाँचवें में हमने बुन दिया देखिए यहाँ पर एक हमारा हो ही गया है इसके बाद वाले में हमारा दूसरा बन गया और इसी के बाद वाले में हमने अपनी तीसरी डबल क्रोशिया बना ली इस तरह से और फिर यहाँ पे हम एक छोड़ देंगे एक चेन हमने छोड़ दी और अगले वाले में डबल क्रोशिया बुन दिया इसी तरह से हमें बुनना है तीन तीन फंदे में एक एक बार बुनेंगे और चौथे फंदे को छोड़ देंगे चलिए मैं इसी तरह से अपना ये पूरा रो कंप्लीट करती हूँ फिर नेक्स्ट आपको बताऊँगी आगे क्या करना है ये देखिए हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है अब नेक्स्ट रो आपको दिखाती हूँ कैसे बुननी है इसे टर्न करेंगे और जैसे हमने अभी ये वाली रो बुनी है वैसे इसे हम अपनी नेक्स्ट रो भी बुन लेंगे इस तरह से देखिए एक चेन बनानी है ये हमने एक चेन बनाई और एक चेन बनाने के बाद अब जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें देखिए ये एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बुन दिया फिर यहाँ अगली चेन में भी हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से फिर तीसरी में भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया और चौथी चेन हम स्किप कर देंगे चौथे में नहीं बुनना है देखिए इस तरह से किया और यहाँ पे जो चौथी चेन है इसे स्किप करके अगली चेन में हमने बुन दिया तो यहाँ पे देखिए एक चेन में ये एक बार हमारा हो गया हाफ डबल क्रोशिया फिर ये दूसरी चेन में हमारा एक बार हो गया तीसरी चेन में हमारा एक बार हो गया और फिर यहाँ जो चौथा है वो स्किप करेंगे चौथी चेन स्किप करके अगली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बुन दिया इसी तरह से अपना ये वाला रो कंप्लीट करेंगे चलिए करती दी हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है ये देखिए हमने अपनी वेब पिंक कलर से सेकेंड रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिए और फिर हम इधर आएंगे बैक साइड और अब हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा तो डिज़ाइन आपको वैसे ही बुनना है ये देखिए एक चेन बनाई ऐसे उंगली रखेंगे और ये हमने फर्स्ट चेन में डाला यहाँ से उनको निकाला और बुन दिया ये देखिए अब यहाँ से अपनी उंगली निकाल लेंगे फिर उंगली को इस तरह से रखना है अगली चेन में डाला इस तरह से बुन दिया उंगली निकाल ली फिर अगली चेन में डालेंगे सभी चेन में एक एक बार ही करना है ये देखें ये इस तरह से बुन दिया फिर उंगली निकाल ली फिर उंगली इस तरह से रखी और ये बुन के निकाल देंगे फिर देखें उंगली ऐसे ऊपर से डालेंगे उनके और नेक्स्ट चेन में बुनेंगे इसी तरह से ये अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे चलिए कटिंग फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखें ये हमारा इतना बन के कम्प्लीट हो गया अब हम यहाँ से अपना ये भी कलर कट करेंगे और अब हम ये अपना वाइट कलर लगा लेना है तो इसे हमने कट कर दिया एक चेन बना के और फिर हम इसी साइड से पीछे की साइड से इधर से ही अपना वाइट कलर लगाएंगे ये देखें इस तरह से सेम तरीके से ही बुनना है कोई चेंज नहीं है ये देखें यहाँ पे हम बस हमारे फंदे थोड़े से कम अधिक हुए हैं बाकी और कोई हमारा चेंज नहीं है तो आपको बता देती हूँ कि इस रो में किस तरह से कम अधिक होगा ये देखें एक चेन बनाई अब एक चेन बनाने के बाद हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट चेन में हमने डाला देखिए फर्स्ट चेन में हमने एक बार ये सेकेंड चेन में हमने एक बार थर्ड चेन में हमने एक बार फोर्थ चेन में भी हमने एक बार और देखिए फिफ्थ चेन को स्किप कर देंगे। तो यहाँ से ये जो पांचवी चेन है ये वाली हमने स्किप कर देनी है और इसके बाद वाली चेन में हम बनाएंगे यहाँ से ये वाइट वाला ऊन ऐसे पीछे कर लेते हैं तो फ्रंट साइड नहीं निकल के आएगा अब देखिए ये वाले स्किप कर दी और इस वाले में बना लिया इसी तरह से हमें अपनी ये वाली रो और इसके बाद वाली रो बुननी है देखिए एक चेन में एक बार आ गया है दूसरे में एक बार आ गया तीसरे में हो गया चौथे में हो गया और पांचवी एक बार स्किप कर लेनी है ये पांचवी स्किप करके अगले में बना लिया इसी तरह से हम अपनी ये वाली रो और इसके बाद वाली रो भी बुनेंगे चलिए बुनती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी दो रो कम्प्लीट कर ली है अब थर्ड रो हम किस तरह से बनाएंगे जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे थे वैसे ही हम अपना डिजाइन बना लेंगे तो इस तरह से एक चेन बनाई यहाँ से ऐसे उंगली को लगाएंगे फर्स्ट चेन में डाला और ये हमने बुन दिया फिर हमने इस तरह से किया अगली चेन में डाला और बुन दिया फिर हमने इस तरह से किया अगली चेन में डालेंगे और बुन देंगे फिर ऐसे करेंगे नेक्स्ट चेन में डालेंगे और बुन देंगे ये ऐसे ऐसे ही हमें अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करके नॉट लगा के कट कर लेना है ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर दिया ये इस तरह से हमारा हो गया अब हमें यहाँ पे डोरी डाली है तो मैंने यहाँ पे देखिए सिंपल सी चेन बनाई हुई है वाइट कलर के ऊन से ही हम यहाँ पे इस तरह से ये डाल देंगे यहाँ पे हमारी घेर और चोली अलग अलग रहेगी ये इस तरह से एकदम नए तरीके से मैंने आपको बनाना बताया और वो भी एकदम ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स हर चीज़ आपके साथ क्लियर की हुई है और छोटे साइज की पोशाक है ये आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट रहते हैं कि दीदी छोटे साइज में बताएं तो ये छोटे साइज की है इस तरह से किया और यहाँ पे यह हम ऐसे करके इसे खींच लेंगे ये देखें ये हमने खींच दिया अब ये हमारी डोरी आ गई इसी में इस तरह से इसे आप आराम से बांध सकते हैं और इसे आप कितना भी वॉश करेंगे ये खराब नहीं होगी ड्रेस ऐसा नहीं है कि धुलने वुलने पे खराब हो जाए इस तरह से करके हम डोरी को बांध लेंगे कान्हा जी की कमर पे और बहुत ही अच्छा सा हमारा ये देखें ये आएगा इस तरह से यहाँ से ही है, ये ये देखिए इस तरह से आएगा तो अब चलिए मैं आपको चोली बनाना बताती हूँ तो चोली के लिए मैंने अपना हुक जो है वो चेंज कर लिया है ये देखिए मैंने थ्री एम में लिया हुआ था अब मैंने टू एम में ले लिया है पतला हुक लिया हुआ है ये देखें इस तरह से क्योंकि छोटे खाना की चोली है तो पतली चाहिए हमें थोड़ी सी अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से मोटे हुक से भी आप बना सकते हैं थोड़ी फूली फूली मोटी होगी और क्या हमने यहाँ पे देखें इस तरह से चेन बनाई हमने एक लूप बनाई अब इसमें चेन बनाएंगे देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस चेन बनाई अब देखिए यहाँ पे एक चेन जो हमारे हुक में है इसके बाद हम एक और दो दो चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तीसरी चेन में डाल के हमने एक बार डबल क्रोशिया बुनी फिर हमने इस तरह से किया और यहीं सेम चेन में डालेंगे और फिर हम डबल क्रोशिया बुन देंगे ये देखिए दो बार हो गया फिर यहाँ पे हमने अगली चेन में डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तो तीन से दो और दो से एक कर दिया हमने एक बार और यही सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया बुन दी ऐसे ही हम यहाँ सभी चेन में दो तो दो बार डबल क्रोशिया बुनेंगे चले बुन लेती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये यह देखिए यहाँ पे हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है अब हमें क्या करना है यहाँ से इसे ऐसे टर्न करना है और टर्न करने के बाद हमने देखें इस तरह से एक दो दो चेन बनाई यहां से छोटा वाला ऊन ऐसे पकड़ लेंगे पकड़ने के बाद यहाँ देखें फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया सेकेंड चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया और जो हमारी थर्ड चेन है इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये एक और यही सेम चेन में एक और बार इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करना है दो चेन में एक बार और तीसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी सेकेंड रो भी कंप्लीट कर दी है ये इस तरह से हमारा आ गया है ये देखिए अब यहाँ पे हम थर्ड रो बनाएंगे ये रो आप ध्यान से देखें तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो चेन बनाई इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं अब यहाँ पे हमने ये जो हमारी कॉस् चेन है इसमें इस तरह से डबल क्रोशा बनाई दो डबल क्रोशिया हो गया अगली चेन में हमने बनाया तीन हो गया यहाँ सभी चेन में एक एक बार ही बनाऊंगी अगली चेन में हमने बनाया ये चार हो गया फिर इस तरह से किया यहाँ पे एक दो तीन चार चार चेन छोड़ने के बाद अगली चेन में हमने देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया ये हमने एक चेन में बनाया एक बार सभी चेन में एक एक बार ही बनाऊंगी फिर नेक्स्ट में दूसरा हो गया फिर नेक्स्ट में तीसरा हो गया फिर नेक्स्ट में चौथा हो गया फिर नेक्स्ट में पांचवा हो गया फिर नेक्स्ट में छठा हो गया अब हमें क्या करना है इस तरह से किया एक दो तीन चार चार चेन छोड़ने के बाद फिर इधर हम अपना चार डबल क्रोशिया बनाएंगे चार चेन में तो देखिए एक हो गया अगली चेन में दो हो गया अगली चेन में तीन हो गया और फिर ये अगली और लास्ट चेन में चार हो गया ये इस तरह से हमारा देखें बन गया है अब हम क्या करेंगे यहाँ इन सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया रिपीट कर लेंगे जो हमने चार इधर बनाई है बीच में छः बनाई है और चार इधर इन्हीं में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है तो देखें इस तरह से ऐसे करके बुन देंगे एकदम सिंपल और आसान तरीका है अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको ये ड्रेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं अपनी वीडियो में बहुत डिटेल से आपको समझाती हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये देखें ये इस तरह से सभी चेन में एक एक बार बुन लेना है अगर आपको किसी और साइज के लिए चोली या चाहिए हो तो मैंने तीन चार साइज का या फिर हो सकता है जब तक ये वीडियो डालूँ तब तक सभी साइज के बेस का वीडियो अपलोड कर दूँ तो आप चेक कर सकते हैं मैंने कैट के साथ इस बार बेस आपको बनाना बताया है ये देखें इस तरह से यहाँ पे हमने सभी चेन में बुन दिया हमारी चोली भी रेडी हो गई है ये एक नॉट लगा के और कट कर लेंगे यहाँ पे हमारी चोली बन के रेडी हो गई आप देखें एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है अब हम कैप बना लेते हैं अब देखिए हमने यहाँ ये वाइट कलर में ऊन ले लिया है हमें क्या करना है इसे हम एक लूप बनाएंगे सबसे पहले ये इस तरह से हमने यहाँ पे लूप बनाई अब इसमें अपने हुक को डालना है और यहाँ पे हमें चेन बनानी है देखें एक दो तीन चार पाँच हमने पांच चेन बनाई पहली चेन में हमने डालना है इस तरह से और इसे ज्वाइंट कर दिया अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बन गया है तो हमने एक और दो दो चेन बनाई इस तरह से किया अभी जो छोटा सा सर्कल है इसी में हमें बार बार डाल के यहाँ तो टोटल चौदह डबल क्रोशिया बनानी है तो देखिए एक जो चेन हमने स्टार्टिंग में दो बनाई थी ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया एक हमने बुन दिया तो दो डबल क्रोशिया हो गया ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया इसी तरह से हम यहाँ पे टोटल चौदह डबल क्रोशिया बनाएंगे चलिए बना लेती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे चौदह अपनी डबल क्रोशिया बना ली अब इस तरह से हम इसे यहाँ जो हमने स्टार्टिंग चेन बनाई थी इसमें इस तरह से करके और ज्वाइंट करेंगे ज्वाइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना बेबी पिंक कलर लगाएंगे तो ये हमने लिया और हमें क्या करना है यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुन देनी है व्हाइट वाले को कट करके हटा दिया और ये देखें इस तरह से एक और दो दो चेन बनाई यहाँ से इन दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे जिसे हम जब बुनें तो इसी में ये हाइड हो जाए ये देखें इस तरह से फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया सेकेंड चेन में भी एक बार इसी तरह सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है चलिए बना लेती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखिए हमारा हो गया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद अब हम इस तरह से एक चेन बनाएंगे और यहाँ सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे ये देखें इस तरह से एक एक बार सभी चेन में सिंगल क्रोशिया बुनी है तो चलिए बुन के कम्प्लीट करती हूँ फिर नॉट लगा के इसे कट कर देंगे और उसके बाद हम बेबी पिंक कलर लगाएंगे सॉरी डार्क पिंक कलर लगाएंगे ये देखिए ये हमारा हो गया अब हमने नॉट लगा के कट कर दिया अब हम क्या करेंगे अपना ये डार्क पिंक कलर लगाएंगे और इससे हम इस पर फ्रिल बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर आप लगा लें अपना ऊन और ऊन लगाने के बाद हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया ही बनानी है तो देखिए इस तरह से एक दो दो चेन बनाई ये भी हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया होता है तो इस तरह से सेम जगह डाल के हमने देखिए तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया फिर यह इस तरह से किया अब अगली चेन में डालेंगे ये देखें अगली चेन में हमने एक बार और फिर इस तरह से किया और यही सेम चेन में हम एक और बार बनाएंगे इसी तरह हम यहां सभी चेन में दो दो बार हाफड क्रोशिया बना के नॉट लगे कट कर देना है तो हमारी कैप भी रेडी हो जाएगी ये देखिए यहाँ पे हमारी कैप बन के रेडी हो गई है बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई है और ये है हमारी चोली तो इस इसपे आप चाहे तो एक व्हाइट मोती लगा सकते हैं इस इसपे भी और कैप पे भी तो चलिए अब कान्हा जी को पहना के दिखा देती हूँ आपको तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मैंने ये दो नंबर के खाना को पहना लिया है एकदम सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे बनाया हुआ है बहुत इजी तरीका है बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं तो पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग में स्किप है तो आप जाके चेक कर सकते हैं तो चलें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे